सबसे पहले बात सियासी घमासान की करेंगे। धामी कैबिनेट से बर्खास्त और बीजेपी से निष्कासित हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। क्या ओपी राजभर करा पाएंगे चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच सियासी गठजोड़? बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने यूपी चुनाव में किसे दिया है अपना समर्थन? दिल्ली में आज क्यों होने जा रही है बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग? और पंजाब में आज आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे का होगा ऐलान। चुनावी मैदान से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चुनावी संग्राम। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। बैठक में राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दो दिनों तक उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान वो हर जिले में जाएंगे और चुनाव प्रचार की रफ्तार बढ़ाएंगे। शाह जिला स्तर पर प्रचार करेंगे और वर्चुअल रैलियों को भी संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अभी उनके अलग अलग जगह के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। उधर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नज़र 300+ सीटों पर है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत आज कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इससे पहले उन्हें कल धामी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया और बीजेपी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं से मिलने और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन पर कार्रवाई की गई है। हालांकि उन्होंने बीजेपी के एक्शन की जानकारी होने से इनकार किया। हरक कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आए थे। आजाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आज फिर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि अखिलेश कहें तो बिना शर्त ही समर्थन देंगे और छोटा भाई मानेंगे तो प्रचार भी करेंगे। दोनों नेताओं के बीच एसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर मध्यस्थता कर रहे हैं। उधर बीजेपी के सहयोगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने चंद्रशेखर को अपने साथ आने का ऑफर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के किसान भवन में आयोजित एक बैठक के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन को अपना समर्थन देते हैं। उन्होंने चुनाव में गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने की अपील भी की। नरेश टिकैत के मुताबिक अच्छी तरह से इस बार चुनाव लड़ो, ये आप लोगों की प्रतिष्ठा की बात है। यूपी के रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान आज लखनऊ पहुंचेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलेंगे। करीब 23 महीने बाद जेल से रिहा होने वाले अब्दुल्ला आजम खान को उनके खिलाफ दर्ज सभी 43 मुकदमों में जमानत मिल गई है। जेल से निकलते ही अब्दुल्ला ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और जेडीयू की राहें अलग हो गई हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और यूपी प्रभारी केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी के साथ सीटों का सम्मानजनक समझौता नहीं होने की वजह से जेडीयू ने बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जेडीयू ने यूपी में बीजेपी 20 सीटों की हिस्सेदारी मांगी थी। यूपी बीजेपी इतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं हुई, जिसके बाद जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। पंजाब में जनता से राय शुमारी के बाद आज आम आदमी पार्टी सीएम के चेहरे का ऐलान करेगी। आज शाम 5 बजे फोन लाइन बंद की जाएगी, जिसके बाद डेटा कलेक्ट कर सीएम के चेहरे का ऐलान किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा था कि जनता तय करेगी कि पंजाब में पार्टी के सीएम का चेहरा कौन हो। उधर गोवा में अरविंद केजरीवाल ने कोटाली में घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बाद अब बीजेपी ने भी विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की है। पंजाब बीजेपी ने सीएसी सुशील चंद्रा को खत लिखकर चुनाव टालने की मांग की है। पंजाब बीजेपी ने आयोग को खत में लिखा है कि राज्य के दलित समुदाय के बहुत से लोग संत रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी जाएंगे, इसलिए चुनाव कुछ दिन के लिए टाल दिए जाए। आयोग ने पंजाब में 14 फरवरी को एक चरण में मतदान कराने का ऐलान किया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।